हाय गाइस, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में जैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, मैं zatki.com की एक साड़ी का रिव्यू करने वाली हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर चुकी हूं, अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर की है। इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बट आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना होता है जब आप ऑनलाइन ऐसी किसी वेबसाइट से कुछ भी परचेस करते हैं। उसके लिए बेस्ट मेथड होता है, जो मैं भी अप्लाई करती हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स चीज़ें मंगाते रहते हैं, उनका रिव्यू करते रहते हैं, वो क्लोज़अप आपको दिखाते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी पूरी कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए। साथ ही साथ हिट कर दीजिए बेल बटन जो उसके एकदम साइड में है, इससे आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करते हैं सीक्वेंस साड़ी की। सीक्वेंस साड़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि जब वो कुछ परचेस करते हैं, पिक्चर कुछ और होती है, प्रोडक्ट वो कुछ और रिसीव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि zatki.com के साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या। जो साड़ी मैंने मंगाई है उसकी पिक्चर में हाँ आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि पिक्चर में कैसी है। इसके अलावा अगर ये अभी अवेलेबल हुई तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। और ये जो साड़ी है, प्राइस बता देती हूँ, ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। इट्स बिलो 3000 रुपीज़, उससे ज़्यादा की नहीं है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कौन सी साड़ी की मैं बात कर रही हूँ। तो जो मैं साड़ी की बात कर रही हूँ वो है ये वाली गोल्डन कलर की सीक्वेंस साड़ी, जिसमें कंप्लीट इसमें ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले इसकी नेट की क्वालिटी की बात करते हैं। इसकी जहाँ तक नेट की क्वालिटी की बात है, बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इसमें चीप बिल्कुल नेट लगी हुई है, या फिर इसका जो ये बॉर्डर लगा हुआ है वो चीप लगा हुआ है। इसका कंप्लीट क्लोजअप मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी हद तक आपको उससे आइडिया हो जाएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये बॉर्डर की क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड ये जो सीक्वेंस का काम है, सितारे हैं, जैसे ये पिक्चर दी हुई थी ना, एग्जैक्टली वैसी ही साड़ी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे पिक्चर में पता नहीं लगते हैं, वो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये कंप्लीट ऐसे मशीन वाला सीक्वेंस वर्क है, हैंडवर्क नहीं है। हैंडवर्क वाली वैसे भी इतनी सस्ती आपको मिलेगी नहीं, बट ये जो मशीन वर्क है ना, बहुत ही नीटली लगा हुआ है। और उसके अलावा होता क्या है कि जब हम कई बार साड़ी मंगाते हैं तो पल्लू में तो वो वर्क दे देते हैं, बाकी साड़ी में कहीं कहीं मिस कर देते हैं। तो चलिए इसमें भी देखते हैं कि इसमें कंप्लीट साड़ी में सीक्वेंस है या फिर पल्लू में दिया हुआ है सिर्फ, या फिर और क्या करते हैं कि नीचे का जो हाफ पार्ट होता है उसमें दे देते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट इस साड़ी का यही है, इसमें पूरा दिया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि हाफ पार्ट में दिया हुआ है, कंप्लीट ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने सीक्वेंस वर्क दिया हुआ है। और ये सीक्वेंस वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बॉर्डर भी कंप्लीट लगा हुआ है। उसके अलावा और होता क्या है कि जब हम पल्लू बनाते हैं ना, यहाँ से लेके जाते हैं, जो बॉर्डर होता है कई बार यहीं पे ख़त्म हो जाता है अगर हमें पल्लू लंबा रखना है। ये जो बॉर्डर है काफ़ी अंदर तक लगा हुआ है, आप चाहे जितना लंबा पल्लू लें तो ये आपको छोटा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे अगर जब आप डालते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा, तो कंप्लीट आएगा। आपकी जो प्लीट्स हैं उसके अंदर दबाकर उसके ऊपर आप लेते हैं तो बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा। अब इसके साथ और क्या क्या आता है, ये इसका थोड़ा प्लेन पार्ट दिया हुआ है जो हम फर्स्ट ऐसे ड्रेप करते हैं, जो अंदर की साइड आता है, तो वो प्लेन है। इसके अलावा इसके साथ क्या क्या फैब्रिक दिए हुए हैं, इसमें ये गोल्डन कलर का सैटिन का फैब्रिक है। मैंने एक बार एक शिफॉन साड़ी खरीदी थी, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन खरीदी थी, उसके साथ जो पेटीकोट का फैब्रिक था वो बहुत ही घटिया सैटन था कि आप उससे कुछ स्टिच ही नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही थिक सॉफ्ट काफ़ी अच्छा सैटन फैब्रिक है, आप इससे पेटीकोट स्टिच करवा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इस टाइप का है तो आप इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्रेस की लाइनिंग में आप इसे यूज़ करते हैं, अगर आप नेट की कोई ड्रेस स्टिच करवाएं उसकी एज लाइनिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाइट कलर का सैटन फैब्रिक दिया हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया कि वाइट क्यों दिया। और फिर मैंने इसकी पिक्चर देखी तो इसमें वाइट ब्लाउज़ पहना हुआ था मॉडल ने। इसके अलावा नॉट ओनली दिस फैब्रिक, इसमें ये ऑफ वाइट कलर का भी दिया हुआ है, दोनों सैटन के फैब्रिक हैं। वाइट तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ, ऑफ वाइट चलेगा कहीं ना कहीं, लेकिन साड़ी बहुत सिंपल हो जाएगी। अगर आप कहीं सिंपल पहनना चाहते हैं तो आप ये ऑफ वाइट स्टिच करवा सकते हैं, या फिर इन फैब्रिक्स को ये एक्स्ट्रा ही हैं, आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाली साड़ी को स्टाइल करने के लिए, अगर आप किसी हैवी ओकेजन पे पहनने वाले हैं तो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला गोल्डन ब्लाउज़ ऐसे कॉलर वाला स्टिच करवाइए, फुल स्लीव्स, तो बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लगेगी। इसके अलावा और भी कलर्स इसके साथ जा सकते हैं,
ये तो आप रहने ही दीजिए, अगर आपको सिंपल भी पहनना है तो कोई और सिंपल ब्लाउज पहन लीजिए, तो इन वाले फैब्रिक्स को आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये सारी जब आप स्टाइल करेंगे तो येलो ब्लाउज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो येलो के साथ भी इसका कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा। इस तरह से जब आप पहनेंगे तो काफ़ी ग्रेसफुल लगेगा। गोल्डन कलर के साथ बहुत सारे फैब्रिक्स का कलर जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो या गोल्डन, गोल्डन तो जाएगा ही, बट अगर आप किसी हैवी वेडिंग में या हैवी लुक देना चाहते हैं साड़ी को, तो कोशिश कीजिएगा वो कॉलर वाले ब्लाउजेज़, फुल स्लीव्स, वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं ऐसी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वाला कलर, ये मैंने आपके साथ एक लहंगा शेयर किया था, ये उसका दुपट्टा मैंने उठाया है कलर मैच ट्राई करने के लिए। अगर आप इस तरह से कंट्रास्ट में कोई कलर इसके साथ मैच करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओवरऑल गोल्डन कलर के साथ आप बहुत सारे कलर्स मिक्स एंड मैच करके इस साड़ी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा पूछें, मैं आपको ये साड़ी ज़रूर रेकमेंड करती हूँ। प्राइस वाइज बिलो 3000 में आपको ऐसी साड़ी शायद ही मिलेगी, मिल भी सकती है, लेकिन ये साड़ी बहुत अच्छी है प्राइस रेंज को देखते हुए। पेटीकोट भी इसके साथ है फैब्रिक, और ये आप बहुत सारे ओकेजन्स पे स्टाइल कर सकते हैं। सो आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव।